हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है। आप सब कुछ जितनी भी वीडियो भेजी जाती है बच्चों, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। जो भी टॉपिक भेजी जाती है उसको प्लीज़ अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट करें, क्योंकि ये बच्चों जितनी भी टॉपिक आप लोग को पढ़ा करके भेजी जा रही है, देयर ऑल टॉपिक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ नोट इन आवर नोटबुक्स, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टू दिस टॉपिक। हम लोग क्लास, सबसे पहले मैं बता दूँ, हम लोग क्लास 8 का साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे इसकी टॉपिक पढ़ी है और आज हम जो अलग टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ उपजाना है हमको, कोई भी पौधे ग्रो कराने हैं, तो उसके लिए मिट्टी की जो उर्वरता है वो तो मतलब अच्छी होनी चाहिए ना, तभी तो कोई प्लांट्स या कोई भी क्रॉप वगैरह जो है वो अच्छे से हो पाएंगे। तो इसमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, क्योंकि हम लोग इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसी से रिलेटेड ये है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है। यहाँ देखिएगा बच्चों, आप सॉम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इंटायर। फिर से मैं दोहरा दूं बच्चों, यहाँ पे सॉम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रेट्स एंड एक्सचेंज इट्स फर्टिलिटी। सच माइक्रोब्स आर टर्म्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। यानी बच्चों, कुछ ऐसे जीवाणु जो होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो होते हैं, यानी एल्गी मतलब क्या होता है, शैवाल, तो कुछ ऐसे जो जीवाणु होते हैं और हरे नीले जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थिरीकरण कर सकते हैं, और इस प्रकार मृदा यानी मिट्टी जो होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। जब जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या करेंगे, स्थिरीकरण करेंगे बच्चों, तो मिट्टी में क्या होगी, नाइट्रोजन का संवर्धन होगा, और उसकी जब वो नाइट्रोजन मृदा में संवर्धन हो जाएगा तो इस तरह से बच्चों क्या होगी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि आ जाएगी, और इसी वृद्धि, जब ये वृद्धि हो जाती है तो इसी को हम लोग जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, सच माइक्रोब्स आर टर्म्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। यानी इसीलिए इसको, यानी ये जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, जीवाणु और नीले हरे शैवालों के द्वारा। ये क्या होता है कि कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या होती है, जब वो स्थिरीकरण करते हैं तो मृदा में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, और उसकी, जब नाइट्रोजन का संवर्धन होगा मिट्टी में, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है, मिट्टी की उर्वरता होती है, वो क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, और इस तरह से जब वृद्धि हो जाएगी तो उसी टर्म को हम क्या कहेंगे बच्चों, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, इन हिंदी लैंग्वेज जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। क्या कहेंगे, स्थिरीकारक, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्लियरिंग द इन्वायरमेंट। अभी हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ी, इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ानी है, एंड हमारा सेकंड टॉपिक है क्लियरिंग द इन्वायरमेंट, यानी हम इन्वायरमेंट का मतलब, आई होप आप लोग सब जानते होंगे, वायुमंडल यानी हमारा पर्यावरण, सॉरी क्या इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारा पर्यावरण।
तो यानी हमारा पर्यावरण किस तरह से साफ होता है, इसमें जो हम लोग माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं वो किस तरह से क्लियरिंग द एनवायरनमेंट में हमारी मदद करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों देखो, बच्चों देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं उसमें माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ें रिलेटेड होगी, चाहे वो क्लियरिंग द एनवायरनमेंट है, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी है, वो सब चीज़ किस पे डिपेंड है, तो माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरिंग द एनवायरनमेंट है। मान लीजिए, सपोज दैट आप लोग अपने घर में रहते हैं, ठीक है बच्चों, हम सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, सुबह उठते हैं, उठने के साथ अपने घरों में सबसे पहले क्या करते हैं, स्वीप करते हैं, यानी झाड़ू लगाते हैं, स्वीपिंग का काम करते हैं ना, क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो घर है वो साफ़ सुथरा रहे, गंदगी ना हो। उसके बाद से जो हम लोग फ्रूट्स वगैरह का राइप करते हैं, उसका जो छिलका वगैरह होता है वो क्या करते हैं, उसको हम लोग जो सूखा कचरा होता है उसको एक जगह, जो गीला कचरा होता है उसको एक जगह रखते हैं, अलग अलग पॉलिथीनों में रखते हैं, और ले जाके जो कूड़े वाले आते हैं उसको दे देते हैं। क्यों? ताकि जो हमारा घर भी है वो भी क्या रहे, साफ़ सुथरा रहे, और हमारे अगल बगल भी क्या हो, कोई भी तरह की बैक्टीरिया या कोई भी तरह के कीटाणु उसमें उत्पन्न ना हो, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा रहे। तो उसी तरह से यहाँ पे बच्चों हम पढ़ेंगे क्लियरिंग द इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया जो है वो किस प्रकार से सहायता करते हैं सॉइल फर्टिलिटी में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी। तो देखिए, बैक्टीरिया हेल्प टू डिकम्पोज डोमेस्टिक वेस्ट लाइक गार्डन वेस्ट, फॉलन लीव्स, वेजिटेबल्स पील्स, डंग ऑफ एनिमल इनटू मैनवर। यानी बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करने में, डोमेस्टिक जो भी वेस्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग के डोमेस्टिक मतलब क्या, हम लोग के द्वारा कोई भी चीज़ जो वेस्ट चीज़ होती है वो बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोज हो जाते हैं। कैसे? तो यानी उर्वरक के रूप में, मैन क्या दिया यहाँ पे, मैनुअर, यानी उर्वरक के रूप में किस तरह से बैक्टीरिया मदद करती है डिकम्पोज, जो डोमेस्टिक वेस्ट होती है उसको डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया किस तरह से मदद करती है। तो जैसे मान लीजिए कि गार्डनर वेस्ट हो गया, ठीक है, बगीचों वगैरह में जो वेस्टेज होते हैं वो सब हो गए, फॉलन लीव्स हो गया यानी पत्तियों का गिरना हो गया, जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, या गाय के जो गोबर होते हैं, डंग मतलब क्या होता है, गोबर, तो ये सब चीज़ क्या करती है, बैक्टीरिया के द्वारा ही क्या होता है बच्चों, डिकम्पोज होता है, और तब जा कर के वो मैनुअर का रूप ले लेता है। दिस गेट्स मिक्स्ड विद द सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये सब क्या होती है, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं बच्चों, तो मिट्टी के साथ मिल जाती हैं, और इस तरह से मिट्टी के साथ मिल जाने पे मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो, सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। यानी आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्लियरिंग द एनवायरनमेंट में क्या होता है, बैक्टीरिया जो हैं वो जितना डिकम्पोज में मदद करते हैं। तो किस तरह से, तो जो हमारे द्वारा जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे गार्डनर वेस्ट हो गया, फॉलन लीव्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, और जानवरों का जो गोबर वगैरह होता है वो क्या होते हैं, वो मैनुअर में परिवर्तित हो जाते हैं, और तब वो किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलने के बाद ये क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।